पानी ऐसा होगा, बाणी, पानी गलत पिए तो बाणी खराब हो जाएगा। और मैं देखा हूं बहुत सारे बड़े बड़े संतों को कथा करने जाएं तो उससे पूर्व गंगा जल पी के ही कथा करते। एक भाई जी थे यूएसए या जर्मन कहां जा रहे थे, वो कथा बंद कर दिए क्योंकि उनका गंगा जल खत्म हो गया, तो रिटर्न आ गए इंडिया। पानी में इतना महत्व है, और गोमूत्र पानी पीना तो इसका क्या बताएं आप, अभी ज्यादा नहीं एक दिन कंप्लीट गोमूत्र पानी में रह जाओ तो फिर आपका शरीर में सूंघोगे तो गोमूत्र का स्मेल आएगा, आप यूरिन पेशाब भी करोगे तो आपका पेशाब नहीं ह्यूमन पेशाब नहीं लगेगा, कौ यूरिन जैसे लगेगा। और आपका प्रश्न था कि हम लोग कौन सा पानी पियेंगे, आप तो इतना सारा पानी का बात बताए, आप बोले गोबर कंडा का मिला हुआ पानी पीजिए, आप बोले कपर का वाटर पानी पीजिए, आप बोले सोलर वाटर क्रोमोपैथी का पानी पीजिए, आप बोले गोमूत्र का पानी पीजिए, हम लोग तो सर कंफ्यूज हैं जी। प्रश्न तो ऐसा ही है ना। हाँ बिल्कुल, पहला बात आप लोग ये समझिए कि सारे पानी का प्रिपरेशन करिए, और जब जो दिल किया वो पीते रहना है, पानी का वेरिएशन चलता रहे। जैसे अभी ये गोमूत्र पानी है, मैं अभी कुछ देर पहले कपर कपर विथ फॉस्फोरस का पानी पी लिया, सॉरी गोबर कंडा का पानी पी लिया, ठीक है, मुझे अभी लग रहा है कि नहीं अभी आप गोमूत्र मिलाए हो तो मैं थोड़ा पी लेता हूं, कुछ नुकसान हो गया, बल्कि मीठा लग रहा है, पानी का टेस्ट अलग है गोमूत्र मिलाने के बाद, थोड़ा सा हरडा का टेस्ट आएगा, थोड़ा कसाय आएगा, तो मजा है ना भाई। और दिन भर जब पानी पियोगे तो उसका गेम कुछ अलग है, अलग अलग। मेरा लाइफ का सबसे मतलब आप रंगा जी को पूछिएगा, सबसे मतलब टेक्निकल ज्ञान ऐसा हुआ, मेरे को कानपुर में, कानपुर से ओरिया उधर कथा के लिए जाना था, और एसी टिकट दे दिए, उसका 5 दिन पहले मेरे को भयंकर बुखार, और मुझे लग रहा था कि शायद ये कथा मेरा कैंसिल होने, और वहां मतलब हजारों लोगों का भीड़ था, और सारा अरेंजमेंट मेरे को व्हाट्सएप भी आ रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, उनका अरेंजमेंट, उनका स्टेज, उनका पंडाल सब देख के मैं भी बड़ा, और मन ही मन गो माता को बड़ा प्रार्थना किया, ले दे के तुलसी का काढ़ा, धनंतरी का काढ़ा, ये सब पी पा के मैं बुखार को कंट्रोल में ले आया, खांसी उसी वगैरह कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसके बाद ठंडा और सर्दी बढ़ गया। लेकिन क्योंकि टिकट उस दिन है, मैं गाड़ी में बैठा एसी के अंदर, ठंड और बुखार से उठा हुआ, और यहां से मैं इनको बोला, अब देखो रास्ता में मैं तो खरीदा हुआ ऐसे 20 लहरी वाटर तो नहीं पीता हूं, तो वही स्टेशन का ही पानी पीना पड़ता है, तो स्टेशन का पानी पिया, तो मैं बोला एक काम करो, गोमूत्र अर्क लेके हर बोतल के अंदर गोमूत्र अर्क चार्ज करो, गोमूत्र अर्क, और पॉसिबल है तो थोड़ा सा गोबर का राख, क्योंकि मैं हमेशा अपने बैग में कहीं भी जाता हूं तो एक डिबिया में अपना राख तो पक्का पकड़ के, मतलब कुछ पकड़ू नहीं पकड़ू आप मेरे बैग में राख तो पाओगे जरूर, और वो राख गोबर का जो ये राख है उसको रखे रहता हूँ ऐसे के लिए, और थोड़ा सा खाने के लिए रखा रहता हूँ, उसको मिलाता पिया। मैं कानपुर पहुंचा नहीं, मेरा सर्दी ठंडा गायब, और मैं पूरा स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, और उस वो वीडियो देखना अभी भी है यूट्यूब में, और कथा सुपर हिट कथा हुआ। एक बार ऐसी बाइक लेके यहां से मेरे को निकलना था गुरुकुल के लिए, और सर इतना ठंडा था, इतना नाक से पानी गिर रहा था कि मैं सर उठा नहीं रहा, और उधर चंद्र बाबू का गौशाला में गया और कामधेनु में गोमूत्र 3-4 कप ठोक के पी लिया, और जस्ट 20-30 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूं, और उसके बाद जोर से मेरे को थोड़ा सा दस्त ये पट्टी लगा आया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं चला। तो मेरे यहाँ आपको पीछे ये इतना सारा बात कहने के पीछे कारण ये है कि गोमूत्र डायरेक्ट मत पीजिए, सुबह का एक बार एक कप पी लीजिए चलेगा, लेकिन दिन भर का गोमूत्र पीना है तो ऐसे ही पानी में 2 ढक्कन गोमूत्र को मिलाइए और उसको दिन भर में पीते रहिए, गोमूत्र जल पीते रहिए। अच्छा दूसरा क्या रह गया, देखियो ये गोमूत्र काला हो गया, क्यों, ऑक्सीजन तत्व तो जब इसमें घुस गया तो इसका कलर काला हो जाएगा, इसलिए गोमूत्र कलेक्शन हुआ तो उसको इमीडिएट पैक मार के रखना है, एयर से बचा के रखना, एयर कंटेमिनेट नहीं हो।
गोमूत्र पीने में बहुत सारा बेनिफिट मैं बता सकता हूँ। बहुत लोग मैं बहुतों को इसके ऊपर हम लोग रोग चिकित्सा किए हैं। सबसे पहला तो एंटी कैंसर है ही, कैंसर के लिए तो महामहौषधि है, नो डाउट। लेकिन इसका एक खतरा भी है, अज्ञानता के साथ अगर ये करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसे ही कोई आदमी बुजुर्ग, वो भी आयुर्वेद के विशारद पंडित थे, किसी ने बता दिया कि भाई गाय तो नहीं रख सकते हो, तो गोमूत्र कच्चा लेके रख के पियो। वो लेके फ्रिज में रखे और पीने लगे जब वो ऐसे गोमूत्र रहने से एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। मैं एक ही एक्सपीरियंस में बताऊंगा। एक बार ऐसे ही एक टीम आया था, मैं गौशाला घुमाने लिया और गोमूत्र सुबह का रखा था, शाम को मैं उठाया और पी गया उनको दिखाने के लिए। दिखा, पी तो लिया, और यू नेवर बिलीव, विद इन 10 to 5 मिनट, 5 to 10 मिनट, मेरा मुंह का छाला से लेके यहां तक का छाला से लेके यहां से सब धीरे धीरे निकल गया, पूरा एक एक लेयर निकल गया। 7-8 दिन तक नमक नहीं, मिर्चा नहीं, कुछ नहीं खा पाया, हालत ये हो गया। ये खतरा है, तो क्योंकि एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आदमी ऐसे ही पीने लगा, अब उसको ज्ञान नहीं था। आज से ये 23-24 साल पहले का स्टोरी, मैं उनका नाम और जगह का नाम नहीं लूंगा, उड़ीसा की, और बहुत बड़े आयुर्वेद का उनका दुकान चलता है, स्टॉल चलता है, विशारद है, ज्ञानी है, उनका होल ऑफ द लाइफ स्पॉयल हो गया। तो 1 महीना के अंदर अंदर वो तो गोमूत्र अंदर जाके उनका पेट में घाव बना दिया। क्यों? गलत गोमूत्र, गलत तरीके से पिए। अच्छा, तीसरा क्या था, वो जानते नहीं थे कि ये देसी गाय है, जर्सी गाय है। देसी गाय का गोमूत्र पीते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि बच जाते। बाय मिस्टेक दुगली गाय थी, मिक्स गाय थी, जर्सी मिक्स थी या होस्टन मिक्स थी, गौशाला जाके गोमूत्र लाके रख के वो पीने लग गए। और वहां तक कि भेलोर भी जाना पड़ा, और भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ा है, वेंडोस्कोपी वेंडोस्कोपी जो जो सब कुछ, पेट के अंदर पाइप लाइट कैमरा घुसा के सब टेस्ट हुआ, उनका घाव ठीक हो नहीं रहा। बहुत डॉक्टर, बहुत वैद्य कहाँ कहाँ गए, कोई ठीक नहीं कर पाया। आखिरी में फिर ऐसे ही, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही जो उड़ीसा के सबसे मतलब इस क्षेत्र में पुराने थे, उनके पास आए, और फिर गव्य चिकित्सा उनके अंदर कराया गया। आज कम से कम खिचड़ी तक खा पाते। तो ये खाली खतरा है, लेकिन अगर आप रूल के अनुसार पी रहे हो तो आपका सारा रोग ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए ये नेगेटिव बात को आपको बोला क्योंकि कोई किसी के पास ये एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है, और वो भी ठीक हो सकता है, डरने का कोई कारण नहीं। ठीक है, तो गोमूत्र जब भी पीते हो मिला के पीना है, दिन भर रख के पीना है। और आपका जो मूल प्रश्न है ये था कि कितने सारे सारे जल पियेंगे, जल तो वेराइटीज पीना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं, आप यहां पर साधना के लिए आए हो, और साधना में मैं शुरू से बोला, स्थूल आहार से ज्यादा मुझे सूक्ष्म आहार चाहिए। स्थूल आहार घटाना और सूक्ष्म आहार पे जाना, यानी आप ठोस आहार, चावल रोटी और आग में पकाया हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, जीव को अच्छा लगने वाला, भारीपन वाला आहार करोगे, योग निद्रा में फेल हो जाओगे, मेडिटेशन में फेल हो जाओगे। लाइट आहार में चलना है, कम आहार में चलना है, लेकिन जानबूझ के कम नहीं कर देना। तब जाके आप हर एक संवेदनाओं को, शरीर की हर एक संवेदनाओं को जान पाओगे, मन को देख पाओगे, आप समता प्रज्ञा में पहुंच पाओगे। और अगर आप स्थूल आहार में लेते हो तो फिर योग निद्रा में आप नींद में चले जाओगे, मेडिटेशन में आप नींद में चले जाओगे, तामसिकता में चले जाओगे, स्थूलता में चले जाओगे, शरीर भारी हो जाएगा। यहाँ पर तो आए हैं शरीर को लाइट करने के लिए, यहाँ पर तो आए हैं कि प्रैक्टिकलिटी को फील करने के लिए, यहाँ पर तो आए हैं बुद्धि ब्रेन विकास करने के लिए, नहीं तो फिर वही भकवा बन के घूमोगे, मूर्ख गधा बन के घूमोगे। तो जो काला अंग्रेजपन है ना आपके अंदर, उसको उससे मारना है। वो जितने सारे अपलोड हैं काला अंग्रेज वालों के, मैकोले एजुकेशन के फाइल हैं, उन सबको मुझे डिलीट मारना है। उन सबको क्या बोलते हैं, वो मोबाइल को पूरा डिलीट कर देने को, फॉर्मेट, वो फॉर्मेट पूरा काला अंग्रेजियत को फॉर्मेट करना है, और फिर पूरा स्वदेशी फाइल अपलोड करना है। कोई मजाक खेल तो नहीं है। तो आपके जो अन्नमय कोष है, जो मनोमय कोष है, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष है, इन सबको मुझे हील करना है, इन सबको मुझे एनालिसिस करना है, उन सबको मुझे फॉर्मेट करके रीअपलोड करना है। तो इसके लिए आपको ये सूक्ष्म आहार में आना है, जलाहार में आना है, जूस, ज्यादा से ज्यादा जूस, ज्यादा से ज्यादा सूप, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चाय, ग्रीन टी, ज्यादा से ज्यादा कुवत,
ज्यादा से ज्यादा सलाद और ज्यादा से ज्यादा स्प्राउट्स, ज्यादा से ज्यादा ये जो जल जलपान, जलपान माने गोमूत्र का जल, तांबे का जल, क्रोमोपैथी सूर्य सूर्य का रंग का जल, और साथ में गोबर का कंडा का राख का जल, और साथ में बेल का जल, बेल पत्ता का जल, तुलसी जल, तुलसी अर्क का जल, गोमूत्र का तो बता ही दिया, तो इस प्रकार और भी मैं आगे बताऊंगा। तो इन सारे जल, और क्यों ज्यादा जल, देखिए शरीर में 80% जल है। अगर एक इंसान को जला दिया जाए या उसका शरीर से पूरा पानी नहीं छोड़ा जाए, जितना वेट होगा उसका 80% तो जल रहेगा। तो 80% जल को हम लोग जनरली घर में नहीं पीते हैं, क्योंकि जल पीने का जो मजा है कभी हम लोग पाया ही नहीं। बस घर गया, फिल्टर ऑन कर दिया, या वो जो घरेलू काले अंग्रेज वाला जो मशीन है आजकल, क्या क्या है वो, एक्वा जो भी है, कंपनी का नाम ले लेना है, जो भी गधा फिक्वेल जो भी है वो पानी पी लिए, सारा केमिकल पी लिए हम, तो वो शरीर में और खतरनाक, और ऐसा खतरनाक वो पानी आज कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। लिवर रिप्लांटेशन मेरे एक भाई का करना पड़ा उन केमिकल जल को पीने के कारण। उनके दिमाग में घुस गया, साइकोलॉजिकल फोबिया बन जाता है, वो हाँ, पानी हर नहीं छह पियेंगे, ये पानी नहीं महीना पियेंगे। हर 6 महीना सर्वर में शायद चेंज करना रहता है ना उसको। तो वो पानी के, ये पानी जब आप पीने लग जाओगे तो कई सारे पानी का जब टेस्ट और मजा मिलने लग जाएगा पानी का, तो फिर आपका जीवन चमत्कार होने लगेगा, साधना क्षेत्र में आप उन्नति करोगे। जय गुरुदेव।